रहे थे। अभी हाँ जी मैं कल ही आया हूँ और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा मौसम है, धूप सेक रहे हैं आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहते हैं, और आज मैच है हमारा तो मैच को भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ तो आज शाम को मैच है तो मैच की तैयारी है, और कल मैं डल लेक भी हो गया, क्या कहते हैं भाई, शिकारा शिकारा पे घूमा और बड़ा अच्छा लगा, बहुत तसल्ली महसूस हुई वहां पे। हाँ आप दिल्ली से तो हैं, ये तो जी हम सब जानते हाँ हैं, जी हाँ जी आप कश्मीर हैं, तो हाँ जी बात यह है कि दिल्ली का लोंडा छोरा जब कश्मीर आता है तो दिल के कितने करीब हो? बहुत करीब होता है दिल के करीब, इसलिए क्योंकि यहाँ की जो एक नेचर की खूबसूरती है वो बहुत अच्छी है, और कल जब मैं बाहर भी गया तो लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, और जो अच्छी चीज़ लगी मुझे जब मैं शिकारा पे था तो वहाँ पे जब शिकारा के आप जा रहे होते तो दूसरे वो ज्वेलरी बेचने वाले भी आते हैं, फ्रूट्स वाले भी आते हैं, प्लांट के सीड वाले भी आते हैं, तो जिस तरीके से उनकी मार्केटिंग स्किल थी वो मुझे बहुत पसंद आई, वो पूरा मतलब अपना जो उनका प्रोडक्ट था वो पूरा बेच के गए, तो बहुत अच्छी खुशी लगी मुझे, आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस। सर ये LLC यहाँ पे हो, बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिलती है जब इंसान देखता है तो उसकी एक उम्मीद जागती है कि मैं भी यहाँ खेलना चाहता हूँ, और एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट है, LLC लेजेंड्स हैं सारे जिन्होंने अपने करियर अच्छे से खेले हैं और अब यहाँ पे आके खेल रहे हैं, और यहाँ की युवा को अब यहाँ का जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होता जा रहा है, तो आई एम श्योर कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि यहाँ से भी क्यों प्लेयर आ रहे हैं, तो वो सोच अच्छी बड़ी आनी जरूरी है, वो एक सबसे जरूरी है, वो आई फील कि चाहे वो किसी भी सिटी से हो वो इंसान के अंदर एक अपना एक जज्बा जील होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है, तो उसके लिए फिर सर वो मेहनत करता है। हाउ एक्साइटिंग यू आर टू स्टार्ट योर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ एक्साइटिंग यू आर बिकॉज़ यू आर आई एम पर्सनल, वेरी एक्साइटेड टू प्ले इन श्रीनगर, जैसे मैंने बोला कि मौसम भी इतना अच्छा है, और वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन द स्टेडियम एंड परफॉर्म एंड एंटरटेन द कश्मीरी पीपल। धवन क्लास में डेब्यू मैंने जेएनके के खिलाफ, आई थिंक सो, हो नहीं सकता नहीं है हाँ सेकंड मैच हो, थर्ड हो, बट कुछ आप होगा खेल सेकंड, चुके हैं, मैं तो तो जेएनके के साथ बहुत खेला हूँ, बहुत हाउ वाज द उनके एक्सपीरियंस देयर ऑफ बहुत बहुत अच्छा रहा, और अभी मैं जेएनके के मैनेजर से भी मिला, मतलब मैं जब अंडर 19 अंडर 16 से खेल रहे हैं तो तब से एक नाता है, और इवन तो जम्मू में मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, तो आना जाना तो छोटा था तब लगा रहता था, अब ऑफकोर्स काम के लिए या ट्रैवल करना होता है। रिलेटिव से बात की आपने, तो विराट कोहली आपके गधे यार या वो कहते हैं गड्डी बड़ी टाइप पे हैं, काफी बार वो बात कर चुके हैं आपके रिलेशन के बारे में वो उनसे। बात नहीं नहीं करूंगा नहीं यहाँ नहीं पे। नॉट हाँ जी गॉसिप, बस कोई इतना। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हाँ जो आपके जी देखिए रिलेशन को बनाती है, बचपन वाला टाइम। यारी होती है, जैसे आपकी यारी है, आपके बचपन के दोस्तों की यारी है, वो जब 17 साल का था जब मैं रणजी खेल रहा था तब वो आया था, तो तब से मेरी एक यारी है उसके साथ, एक जैसे आपकी सिटी का एक कल्चर होएगा या एक सेंस ऑफ ह्यूमर होएगा आपकी अपनी लैंग्वेज में, जैसे तो हमारे एक पंजाबी कल्चर में सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो दोनों हम सेम शेयर करते हैं, और दोनों साथ में इतना खेले हैं, दिल्ली के लिए खेले, इंडिया के लिए खेले, तो बहुत अच्छा प्यार है सबसे, सर बहुत बहुत सारे ऐसे यहाँ पे एक तो अच्छी फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, अच्छी विकेट होना जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो ऑब्वियसली फिर प्लेयर्स उभर के आते हैं, अभी अब अगर आप हाल ही में देखें तो जम्मू में, जम्मू कश्मीर की जो टीम है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बेहतर हो रही है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में चीज़ें बनती है, वक्त लगता है, पर वो जज्बा साथ में साथ करते रहना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि बड़ी सोच होनी, आज LLC का गब्बर का बल्ला गब्बर के तरीके से बोलेगा और अच्छा बोलेगा और मज़ा आएगा, जैसे कि बोला कि इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे, खुशी है, एक नई तरंग कल अनुरीत ने है अभी नहीं गाना तो नहीं गाऊंगा मैं, बट थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया, आप सब आए और दिल से शुक्रिया। बहुत